Hey guys, what's up? My name is Ayush Khanna and you are watching our channel Ayush Khanna Classes. So, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर ICI फॉर्म्स जो कि प्रोटेस्ट चल रहा है ऑल ओवर इंडिया अगेंस्ट ICI. ठीक है, खास करके दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है ICI के अगेंस्ट. मैं दो तीन मुद्दे उठाना चाहता हूँ. एक मैं वीडियो देख रहा हूँ, शायद जयपुर की वीडियो है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद. मुझे एक स्टूडेंट को रेस्टिकेट कर दिया गया कि उसकी यही गलती थी कि उसने प्रोटेस्ट किया इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट. अगर इन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम अपने हक के लिए अगर लड़ने बैठे तो सब स्टूडेंट्स सब मेंबर्स ही इंस्टीट्यूट के हाथ से चले जाएंगे. दूसरी चीज़, आज मैं वीडियो देखा, लाइव टेलीकास्ट देखा था, मैं पहुंच नहीं पाया क्योंकि कुछ सीजन के कारण. ठीक है, देखो आज जो आउटकम आया, सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ CA प्रवीण शर्मा सर, शर्मा सर कहते हैं, CA शर्मा सर की प्रेसिडेंट सर के साथ मुलाकात हुई थी. यहाँ पर ये शायद काउंसिल मेंबर्स के साथ मुलाकात हुई है. उधर ये पता लगा कि इंस्टीट्यूट कह रहे हैं कि हमको 14 डेज दो, 14 डेज, और 14 डेज में हम लोग सारा रीचेकिंग राइट और बहुत कुछ हम आपको दे देंगे, देने की कोशिश करेंगे. अब सबसे पहली बात, आप लोग जो नहीं पहुंच सकते या जो भी ऐसे केस में भी ट्विटर पे जरूर ट्वीट करो ताकि प्रेशर उन लोग के ऊपर पड़े. और हो सकता है कि इसी हफ्ते जो 14 डेज के जो 2 वीक्स के, हो सकता है कि विद इन अ वीक वो राइट हमको मिल जाए. ठीक है, प्लीज सारे, नॉट ओनली ट्विटर, सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह कर दो वायरल इसको. ठीक है, देखो जो केस में बता है इन्वेस्टिगेशन का, सेंट्रल काउंसिल मेंबर CA प्रकाश शर्मा इन्वेस्टिगेटेड अ स्टूडेंट फ्रॉम उदय हॉस्टल व्हिच इज ऑपरेटेड बाय हिम इन जयपुर जस्ट बिकॉज वो हमारे साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं. जो भी मैसेज आया, ठीक है, ये तो देखो भाई गलत बात है. आप अगर हमारे राइट्स के लिए, तो आप देखो, आप लोग कहते हो कि हम लोग ने CMA वालों को या CS वालों को अकाउंटेंट्स नहीं बनने देना सेक्शन 288 इनकम टैक्स एक्ट के, ये कहते हैं हमने नहीं बनने देना अकाउंटेंट्स. चलो हम लोग ने पास भी करना स्टूडेंट्स को, चलो फिर तो आप क्या करना चाहते हो, आप हमको बता दो क्या करोगे, क्या करना चाहते हो हमारे साथ. मतलब जो वो 40 चीप लोग काउंसिल मेंबर्स में बैठे हुए हैं, वो लोग ने बस अपना मोनोपोली बना लिया था, वो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट करना बस. नहीं, ये तरीका है क्या आप लोग का, स्टूडेंट्स को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, CMA CS को आप अकाउंटेंट्स नहीं बनने दे रहे हो, स्टूडेंट्स को गलत कॉपी पे गलत चेकिंग पे भी आप उसको पास नहीं कर रहे. तो क्या एक में आज कॉपी एक देखा था, स्टूडेंट के 41 मार्क्स आए ऐसे फॉर्म में, स्टूडेंट के 41 मार्क्स आए ऐसे फॉर्म में और सिस्टम में 14 मार्क्स लगा दिए, 14 मार्क्स लगा दिए, ये सही है? बताओ, आप बताओ स्टूडेंट, एक इंसान गलती क्या करता है कि वो CMA एडमिशन ले लेता, CMA एडमिशन ले लेता, ये सबसे बड़ी गलती है एक इंसान की. क्यों? क्योंकि आपको पता है पास करना नहीं, छोटा सा राउंडिंग ऑफ हो पंगा तब आप लोग पूरा क्वेश्चन काट देते हो. एक बार मैसेज ऐसा हुआ था अकाउंटिंग के पेपर में, एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उसका फर्स्ट पार्ट में 5 मार्क्स क्वेश्चन था, एंड जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2 या 3 अमाउंट्स उसमें ना गलत थी,
and I was awarded 6.5 marks or and two questions of 10-10 marks each. Was fully crossed, and hence I missed my exemption by 10 marks. आप बताओ करना क्या चाहते हो, मतलब कुछ भी नहीं। मेंबर्स की आप लोग बात नहीं सुनते, स्टूडेंट्स आपकी बात आप लोग नहीं सुनते, स्टूडेंट्स की बात, मेल्स आप लोग पढ़ते नहीं, और सीएमएस सीएस को अकाउंटेंट्स बनने देना नहीं। बताओ क्या करें हम लोग, ठीक है? तो फिर आज मैं ये वीडियो यही बंद कर रहा हूँ, क्योंकि तो मुझे काम है। एक तो मुझे अब लग रहा है कि हमको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है? एंड स्पेशल थैंक्स टू शर्मा सर, नीरज शर्मा सर और जितने भी फैकल्टीज थी जिन्होंने प्रोटेस्ट किया स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए उनको थैंक यू, बिग टेक केयर, बाय बाय।